नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। हल्द्वानी में आज राष्ट्र सेविका समिति द्वारा सनातन नववर्ष के उपलक्ष्य में हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में तिलक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज राष्ट्र सेवा समिति की महिला सदस्यों ने कालूसाई मंदिर के पास तिलक लगाकर लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राष्ट्र सेविका समिति की क्षेत्र परिचारिका नीमा अग्रवाल ने कहा कि आज ही के दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। वहीं पूरे देश में लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्र सेविका समिति के सदस्यों द्वारा कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हिंदू संस्कृति की परंपरा को कायम रखने के लिए नववर्ष कार्यक्रम मनाते हैं, वहीं आज कल की युवा पीढ़ी को इन बातों की जानकारी कम है। इन सभी को देखते हुए राष्ट्र सेविका समिति की महिला सदस्यों द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। समिति जो अपना अखिल भारतीय संगठन है, आज नववर्ष के दिन पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वह समाज को संदेश देता है कि हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो आज से ही शुरू होता है, क्योंकि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में इतना भूल गए हैं कि हमारा 1 जनवरी नववर्ष है या हमारा आज के दिन नववर्ष है। आजकल की जो शिक्षा प्रणाली के कारण से बच्चों को भी नहीं मालूम है कि हमारा नववर्ष आज से शुरू होता है। आज ही के दिन सृष्टि की रचना हुई थी, श्रेष्ठ महापुरुषों के जन्मदिन है, और जो हिंदू परंपरा के अनुसार से आज से ही पूरे भारत में जो हमारे जितने भी हमारे कैलेंडर हैं, जो हमारे शक संबद्ध है, विक्रम संबद्ध है, वो सब आज ही के दिन से सारे कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में संदेश देती है, जागरण का संदेश देती है, अपनी हिंदू जो परंपरा है उस परंपरा को कायम रखने के लिए हम लोग विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना नववर्ष कार्यक्रम मनाते हैं। आज भी हमारी बहनें यहाँ खड़ी हैं, कुछ बहनें गोलाजाली के चौराहे में खड़ी होंगी, और पूरे 9 दिन हम किसी न किसी रूप में एक शक्ति का आह्वान करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जिसमें समाज को बदलने की एक शक्ति है, समाज को प्रेरणा देने की एक शक्ति है। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे सहयोगी आबशार बख्श की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।